हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इस टाइप की क्रिएटिव फोटो ट्रेनिंग जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे और देखते रहे मिस्टर स्मार्ट क्रिएशन। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप की फ़ोटो को क्लिक करवा देना होगा, जैसे कि हमारे इस टाइप की फ़ोटो को, इस टाइप से आपको फ़ोटो क्लिक करवा देनी है। उसके बाद जाना है आपको ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है या इसे चूज़ करना है, ब्रश को चूज़ करना है। ब्रश की वो हार्डनेस को अराउंड 96-97 के आसपास रखना है, इसे सेट कर देना है। इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करके ओपेसिटी को एकदम फुल कर देना है। एंड इस मॉडल के आसपास जितना भी बैकग्राउंड दिख रहा है, बैकग्राउंड को हम सिंपली इस तरह से ब्लैक कर देंगे। आप भी इस तरह से सिंपली इसको ब्लैक कर दीजिए। मॉडल के आसपास जितना भी बैकग्राउंड दिख रहा है उसको पूरे को इसे पेंट कर दीजिए। सिंपली कुछ इस तरह से आपको भी अपने बैकग्राउंड, अपने मॉडल के बैकग्राउंड के पीछे कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है। पेंट होने के बाद सिंपली यहाँ से इसको डन, सिंपली यहाँ से इसको सेव कर देंगे, यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ फिर से जाएंगे हम इफेक्ट वाले टूल में, इफेक्ट में जानेंगे। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ हम ब्लैक एंड वाइट चूज करेंगे। बहुत बढ़िया, हम यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट चूज़ करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट चूज़ करने के बाद इसको वापस डन कर देंगे। डन करने के बाद वापस इफेक्ट वाले टून में जाएंगे। इफेक्ट वाले टून में जाने के बाद में जाएंगे ग्लोमो इफेक्ट होता है, उसको हम देंगे। ताकि ग्लोमो इफेक्ट देने के बाद इसके विग्नेट पॉइंट को हम बढ़ा देंगे और इसके अमाउंट को कम कर देंगे। अमाउंट को कम करने के बाद इरेज भी चूज़ करेंगे, इरेजर भी चूज़ करेंगे। इसके हाइज को छोटा रखेंगे, हार्डनेस को 84 के आसपास रखेंगे और डन कर देंगे। डन करने के बाद हो जाएंगे, और आप जाने के बाद यहाँ जाएंगे एंड सिंपली यहाँ पे इसको अपने फेस पे थोड़ा सा पेंट कर देंगे और इरेज कर देंगे, ताकि हमारा थोड़ा वापस फेस जो विग्नेट पॉइंट आया हुआ था यहाँ से हट जाए, हमारा चेहरा थोड़ा साफ हो जाए। ये होने के बाद अपने इसको भी थोड़ा सिंपली इसको पेंट कर देंगे, ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए हमारा चेहरा मॉडल। ये होने के बाद बहुत ही बढ़िया हमारा ये हो चुका है। यहाँ से सिंपली इसको कर देंगे डन। डन डन करने के बाद वापस जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद ये सिंपली इसको कर देंगे यहाँ से सेव। सेव होने के बाद इसको ओपन करेंगे लाइट रूम के अंदर। सिंपली हमारी फोटो लाइट रूम में ओपन हो चुकी है। लाइट रूम आपको प्रीमियम वर्जन की आवश्यकता होगी, ऐसा करता होगा आपके पास प्रीमियम वर्जन होगा। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लाइट रूम में ओपन होने के बाद हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक, निशान पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली इसको इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे। सिंपली इसको इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे ले लेंगे एंड इसको थोड़ा सा वापस आगे की साइड में ले लेंगे। बहुत बढ़िया हो चुका है। इसे टेम्परेचर निशान पर जाएंगे एंड इसको सबसे पहले यहाँ से रेड कलर को चूज कर देंगे। सबसे पहले रेड कलर बढ़ा देंगे हम, उसका रेड कलर बढ़ा देंगे एंड थोड़ा सा इसको वापस थोड़ा सा आगे लाएंगे इस टाइप से। हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया हो चुकी है एंड इसके बाद इसको सेट करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम प्लस वाले आइकन पे वापस, यानी इसे चूज़ करेंगे, यानी इसे पीछे से ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से। बहुत ही बढ़िया हमारा फोटो निखर आएगा। इस टाइप से हम कुछ कर देंगे, टेम्परेचर निशान पर क्लिक करेंगे, इसको रखेंगे ब्लू टोन में, थोड़े ब्लू टोन, थोड़ा हाई ब्लू टोन रखेंगे, कुछ इस टाइप से रखेंगे। बहुत ही बड़ा हमारा फोटो हो चुका है। इसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे इसके टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसकी क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, टीआई इसको थोड़ा कम कर देंगे। सिंपली यहाँ से हो गया, यहाँ से इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद वापस यहाँ पर जाएंगे, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लियरिटी को थोड़ा सा
बढ़ा देंगे, एंड टी आई एस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, टी आई एस को बढ़ा देंगे एंड विगनेट को थोड़ा सा कम कर देंगे। बहुत बढ़िया हमारे अच्छे फोटो हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ से सिंपली इसको कर देंगे सेव टू डिवाइस। सेव टू डिवाइस करने के बाद वापस हम चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। एक काम और रह गया था, हमारी फोटो पिक्सआर्ट के अंदर वापस आ चुकी है। एंड पिक्सआर्ट के अंदर आने के बाद हम जाएंगे इस एड फोटो के अंदर। एड फोटो के अंदर जाने के बाद आपको मैंने एक पीएनजी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ वो पीएनजी है, इस ये पीएनजी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से डाउनलोड करने के बाद कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ये हवा में उड़ता हुआ नज़र आए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड सिंपली यहाँ से इसको कर देंगे डन। डन करने के बाद वापस आएंगे ड्रॉ टूल के अंदर एंड इसको कर देंगे फाइनली सेव। तो हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुकी है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फोटो में निखार आ चुका है, बहुत ही क्रिएटिव फोटो लग रही है। तो अगर आप आशा करते हो आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।